तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, अगर देखोगे तो इसमें एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एच वाइल क्रॉसिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड टी वन एंड टी टू वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। देखो, द टाइम क्रॉसिंग टू हाइट एच, मतलब अगर किसी पार्टिकल को यहाँ से ऊपर फेंकते हो, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल विच इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू, और अगर वो कुछ एच हाइट तक ऐसे जाता है और वो फाइनली यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फिर उधर से वापस आएगा, ठीक है ना, और ऐसे वापस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक हाइट है जिसको दो टाइम में क्रॉस करता है, तो लेट अस सपोज हियर इज ए हाइट, और उसको उस हाइट को वो दो पार्ट में यहाँ से क्रॉस करता है। एक यहाँ पर एक हाइट है, यहाँ से ले लो एक हाइट एच है, तो इसको जाते वक्त इसमें टाइम टी वन लगा, और उधर से जब आ रहा तो इसको टाइम टी टू लगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइम टी वन एंड टी टू लगा है इसको क्रॉसिंग में, तो यही हमें निकालना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे हमें सीखने को मिलेगा काइनामेटिक्स में कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, एक हाइट को क्रॉस करने के कैसे निकालते हैं। तो चलो, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले हाइट एच क्रॉसिंग के लिए मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ। तो एस यू, और ये यू से फेंका गया था टाइम टी, माइनस हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर, मतलब ये हुआ अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टू एच इज इक्वल टू टू यू टी और माइनस जी टी स्क्वायर, मतलब यहाँ से जी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी और प्लस टू एच इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम टी। मतलब ये बता रहा है कि एच वेरिएबल को क्रॉस करने में यहीं से जो टाइम आएगा दो, वही टी वन टी टू होगा। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू अगर निकालता हूँ टाइम, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे करते हैं, माइनस टू बी मतलब टू यू प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर यू स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी ए जी और सी टू एच, ये सब कुछ अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। तो पहला जो टाइम लगा होगा जाते वक्त, तो टू यू प्लस फोर यू स्क्वायर और माइनस एट जी एच अंडर रूट, ये लगा होगा डिवाइडेड बाई यहाँ से टू ए। और दूसरा जो टाइम टी टू लगा होगा वो टू यू माइनस फोर यू स्क्वायर माइनस एट जी एच अंडर रूट और डिवाइडेड बाई यहाँ टू, ये दोनों टाइम ऑफ क्रॉसिंग होते हैं जो क्वाड्रेटिक इसके जो वैल्यू होते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ क्रॉसिंग टी वन प्लस टी टू जो है, जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दोनों का सम किया गया, तो टोटल सम करके देख लेते हैं। तो टोटल सम करोगे यहाँ तो ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, टू यू और फोर यू ये वाला, तो टू यू अपन जी इधर बचेगा प्लस टू यू अपन यहाँ से टू ए यहाँ से बचेगा और ये टू ए, तो यहाँ से तुम देखोगे टू, हाँ टू ए मतलब ये आ जाएगा टू जी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जी, तो यहाँ से टू जी और यहाँ से टू जी बचेगा, कुल मिला के ऊपर ए फोर जी, यहाँ से तुम देखोगे फोर यू अपन टू जी, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो है टू यू अपन जी आ जाएगा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी जी टाइम्स टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई यहाँ से जी टाइम्स टू, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ यू इन द टर्म ऑफ टी वन टी टू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू।